नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गेट सरकारी जॉब अपडेट एंड करंट अफेयर्स डेली जॉब अपडेट एंड करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स से संबंधित जानकारी और सामान्य ज्ञान से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिल सकें और आप यहाँ पे पढ़ सकें। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको यहाँ पर आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो यहाँ पर चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा है। तो ये देखिए, हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा संगठन भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग। यहाँ पर भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र यहाँ पे बनाता है। तीसरा प्रश्न चलते हैं यहाँ पे, तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा 5.2 घंटे आगे है यहाँ पे। चौथा प्रश्न देखते हैं, सूर्य की सीधी किरणें किसे नहीं मिलेंगी? तो सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पे श्रीनगर को यहाँ पे नहीं मिलती, श्रीनगर में सूर्य की सीधी किरणें नहीं आती। अगला प्रश्न देखते हैं, पाँचवा प्रश्न, भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? तो भारत के दक्षिणी छोर का यहाँ पे निकोबार द्वीप समूह में स्थित इनियर पॉइंट, यहाँ पे भारत के दक्षिणी छोर का नाम है। छठवां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान कौन सा है? तो भारत के दक्षिण में जो सबसे दूरस्थ स्थान है वो है इंदिरा पॉइंट, सबसे दूरस्थ स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल पैक्सीटन से लगभग कितना बड़ा है? भारत का क्षेत्रफल पैक्सीटन से लगभग 4 बड़ा है। आठवां प्रश्न, किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो भारत के साथ श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पे नहीं है। नौवां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, पाक जलडम रू मध्य के बीच कौन से दो देश हैं? तो यहाँ पे भारत और श्रीलंका यहाँ पे दो देश हैं। दसवां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चीन के साथ सीमा बनाता है? हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला यहाँ पर चीन के साथ यहाँ पे सीमा बनाता है। ग्यारहवां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, नागालैंड की सीमा राज्यों के किस समूह के साथ मिलती है? तो नागालैंड की सीमा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर के साथ मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, भारत के किस देश ने अपने सीमा मानचित्रों का आदान प्रदान किसके साथ किया? तो यहाँ पे बांग्लादेश इसका सही आंसर होगा। तेरहवा प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, भारत में 9 तटीय राज्य हैं लेकिन आधे से अधिक समुद्री नमक का उत्पादन गुजरात के तट से होता है क्योंकि कम वर्षा और सापेक्ष आर्द्रता नमक के उत्पीड़न के लिए आदर्श होती है। इसके लिए यहाँ पे समुद्री जल का वाष्पीकरण यहाँ पे जिम्मेदार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चौदहवा प्रश्न यहाँ पर है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर किस राज्य की भूमि है? तो यहाँ पर पुदुचेरी इसका सही आंसर होगा। पंद्रहवा प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो भारत के राजस्थान जो राज्य है उसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की यहाँ पे तटरेखा की लंबाई अगर देखी जाए तो यहाँ पे 7,516.6 किलोमीटर यहाँ पे भारत की तटरेखा की लंबाई है। अगला प्रश्न, सत्रहवां प्रश्न देखते हैं, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में यहाँ पर 36 द्वीप हैं। अगला प्रश्न, अठारहवां प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गद्देदार चोटी सैंडल पीक कहाँ है? तो यहाँ पे गद्देदार चोटी जो सैंडल पीक है वो उत्तरी अंडमान में है। 19वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, 19वां प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को क्या कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को यहाँ पे कोरोमंडल तट यहाँ पे कहा जाता है। 20वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, यह कोंकण तट से कितनी दूर है?
ये दमन से गोवा है। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है कि इसके चार जिले हैं लेकिन इसके किसी भी जिले की सीमा इसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती? तो ये पुदुचेरी इसका सही आंसर होने वाला है। 22वां प्रश्न देखते हैं, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो झीलों के अध्ययन को दोस्तों यहाँ पे लिम्नोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी यहाँ पे धौलाधार और पीर पंजाली के बीच यहाँ पे स्थित है। 24वां प्रश्न देखते हैं, पिपली घाट दर्रे के किस पहाड़ी भाग में है? तो पिपली घाट यहाँ पे अरावली की पहाड़ी के भाग में है। 25वां प्रश्न देखते हैं, किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट की चोटी को यहाँ पे सागर माथा भी कहा जाता है। 26वां प्रश्न देखते हैं, गैडविन ऑस्टिन क्या है? तो गैडविन ऑस्टिन यहाँ पे एक चोटी है जो कि गैडविन ऑस्टिन के नाम से जानी जाती है। 27वां प्रश्न है हमारा, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो ग्रेटर हिमालय का यहाँ पर हिमाद्री भी ग्रेटर हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 28वां प्रश्न, जो नागा बाबा और महाभारत पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है इसका नाम है निम्न हिमालय। 29वां प्रश्न, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अन्य नाम क्या हैं? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को हम पश्चिम घाट भी कहते हैं। 30वां प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख के पठार को यहाँ पे भारत का सबसे ऊंचा पठार कहा जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर नया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।